खंडवा जिले के मुंदी नगर में पूर्व वार्ड पार्षद अनीता श्रीवास्तव के बेटे पीयूष श्रीवास्तव ने वार्ड क्रमांक 1 के वार्ड वासियों को लेकर मुंदी थाना प्रभारी अंतिम पवार को ज्ञापन सौंपा है। शराबी शराब पीकर मोहल्ले में आते हैं, गाली देते हैं, चलते लोगों से मारपीट करते हैं और रात में घूमने आई महिलाओं के सामने और रोज़ सुबह स्कूल जाते बच्चों के सामने गालियां देते हैं, जिससे बच्चों पर गलत असर पड़ता है। इसको लेकर आज पूर्व वार्ड पार्षद अनीता श्रीवास्तव के बेटे पीयूष श्रीवास्तव ने वार्ड क्रमांक 1 के वार्ड वासियों को लेकर के मुंदी थाना प्रभारी अंतिम पवार को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मुंदी थाना प्रभारी अंतिम पवार ने आश्वासन दिया है कि जल्द कार्रवाई होगी और सुबह के वक्त डायल 100 को चौराहे पर खड़ी की जाएगी और संदिग्धों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई करेंगे। मुंदी से शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। जो वार्ड में समस्या देखते हुए दारू वाले दबंगों के कारण ज्ञापन दिया गया, जिसमें बच्चियां कॉलेज को स्कूल को जाती हैं तो दारू पी के सुबह शाम 3 टाइम गाली दी जाती है और अन्यथा छेड़ाछाड़ी की जाती है, उस भी चीज़ पे ज्ञापन दिया गया। अच्छा, क्या आश्वासन दिया टीआई साहब ने? यही साहब ने बोला शाम से 100 डल खड़ी होगी और सुबह भी 100 डल खड़ी होगी। अच्छा ठीक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।